शाहीनबाग के प्रदर्शनकारियों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का ऐलान किया है, लेकिन गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक शाहीनबाग के प्रदर्शनकारियों की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात तय नहीं है। सूत्रों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने अब तक गृह मंत्री से मुलाकात का वक्त नहीं मांगा है। दिल्ली पुलिस का भी कहना है कि उसे इस मुलाकात को लेकर न तो गृह मंत्रालय और न ही प्रदर्शनकारियों की तरफ से कोई जानकारी दी गई है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिल्ली के शाहीनबाग और कई दूसरे शहरों में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर सवाल उठाए हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान में रहने वालों के लिए धरना कर रहे, बांग्लादेश में रहने वालों के लिए धरना कर रहे, भारत में रहने वाले 130 करोड़ जनता को कोई प्रॉब्लम तकलीफ नहीं है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में। इससे पहले शाहीनबाग के प्रदर्शनकारियों की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह से कल दोपहर मुलाकात का दावा किया गया था कि यहाँ का कोई डेलीगेशन नहीं जाएगा, कोई भी डेलीगेशन नहीं जाएगा, यहाँ का हर एक आदमी डेलीगेशन है, शाहीनबाग का हर एक आदमी डेलीगेशन है। तो शाहीनबाग का एक एक आदमी, एक एक बच्चा अमित शाह से मिलने जाएगा और पूरी हिंदुस्तान से आएगा, पूरी दिल्ली से आएगा। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि सरकार को बातचीत करनी चाहिए और संवाद से ही समाधान होगा। देश का संविधान ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने अधिकार के लिए आंदोलन करने का अधिकार है, किसी भी व्यक्ति को लोकतांत्रिक ढंग से अपनी मांग उठाने का अधिकार है, और अगर वो कोई सरकार के खिलाफ मांग कर रहा है तो उससे सरकार को बातचीत करनी चाहिए, संवाद से उसका समाधान निकालना चाहिए। कर्नाटक के हुबली में देश विरोधी नारेबाजी का वीडियो आया है। इस वीडियो में हुबली के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले 3 कश्मीरी छात्र पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते दिख रहे हैं। इन छात्रों ने पुलवामा आतंकी हमले की बरसी पर यह वीडियो बनाया था। हिंदू संगठनों की शिकायत के बाद आज हुबली पुलिस ने इन 3 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। इन 3 छात्रों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट में पेशी के वक्त लोगों ने इन छात्रों की पिटाई की कोशिश की, पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अरविंद केजरीवाल कल तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दोपहर 12:15 बजे अरविंद केजरीवाल के साथ 6 मंत्रियों का भी शपथ ग्रहण होगा। रामलीला मैदान में 40,000 लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं। अगर ज्यादा लोग आए तो रामलीला मैदान के बाहर लगाए गए LED स्क्रीन से भी शपथ ग्रहण समारोह देखा जा सकता है। दिल्ली के जितने नवनिर्वाचित MLA हैं वो सारे यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, उनके MLA के फैमिली के लोगों को इसमें इन्वाइट किया गया है। साथ ही साथ मंच पर जो दिल्ली के निर्माता रहे हैं अलग अलग फील्ड के, उन लोगों को मंच पे जो है वो हर उसके सेक्टर के प्रतिनिधियों को बिठाया जाएगा। मुख्य मंच के दोनों तरफ 2 और मंच बनाए गए हैं। इन मंच पर 50 VVIP बैठेंगे। खास बात यह है कि इन VVIP में दिल्ली के शिक्षक, मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर, सफाई कर्मी, दिल्ली सरकार की स्कीम से जुड़े हुए लोग होंगे। आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि शपथ ग्रहण समारोह भी जीत की तरह ऐतिहासिक होगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दरार दिल्ली आकर और बढ़ गई। अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन की धमकी देने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया समन्वय समिति की बैठक बीच में छोड़कर चले गए। इस पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कड़े तेवर दिखाए और कहा कि सिंधिया को सड़क पर उतरना है तो उतर जाए। मैं अध्यक्ष हूँ तो समन्वय किसे बनाना है? सर सिंधिया जी जिस तरीके से तमाम बातें कर रहे हैं, जो वेवर को लेकर बातचीत हो रही कि लोन जो माफ किए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि सड़क पर उतरेंगे, किस तरीके से तो उधर जाएं। सिंधिया ने हाल ही में टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री कमलनाथ पर कांग्रेस घोषणा पत्र के वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी थी। बैठक में कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस को वादे 5 साल के अंदर पूरे करने हैं, 5 महीने के अंदर का वादा नहीं किया था। अब ये कांग्रेस की परंपरा है सिर्फ फुटव्वल, मुझे तो अजीब सा लगता है कांग्रेस का संस्कार स्वभाव। सिंधिया के रवैये की कमलनाथ ने शुक्रवार को कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी शिकायत की थी।